दोस्तों आजकल आप भी एक बड़ा कॉमन शब्द है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में काफी चर्चा सुन रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। उसके बाद कुछ जो समुदाय हैं वो कहते हैं कि वो हमारे लिए और ज्यादा दिक्कतें लेकर के आएगा, लेकिन सरकार का कहना इसके मामले में बिल्कुल अलग है। तो क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और किस तरह के प्रावधान इसमें हो सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं बनती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से, तो उस पर हम आपको आज आगाह कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में 13 मामलों पर होगा असर। ये एक संभावना है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हिंदुओं और पारसियों के उत्तराधिकार, मुस्लिमों का बहुविवाह व विवाह की उम्र के कानून बदले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने लोगों से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर राय मांगी है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ ने विरोध तो कुछ ने इसे सही ठहराना शुरू कर दिया है। लोगों के सुझाव और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो टेम्पलेट बना है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह के 13 प्रावधान इसमें हो सकते हैं और वो किस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर डाल सकते हैं। तो सबसे पहला है शादी की उम्र। यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह योग्य उम्र अब एक समान करने का प्रस्ताव किया गया है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से कम है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सके। ये सरकार का मानना है, समझना है। लड़कियों की जो उम्र है वो 18 साल सभी धर्मों में करने के पीछे जो उनकी मंशा है वो ये है कि वो एक जो जरूरी शिक्षा है ग्रेजुएशन तक की वो जरूर हासिल करने शादी से पहले। दूसरा है विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व अन्य कई धर्मों में रीति रिवाज से होने वाले विवाह को रजिस्टर कराना अभी अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब उन्हें पति पत्नी के रूप में विदेश जाना हो। यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, इसके बिना सरकारी सुविधा का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान जो हो सकता है, या ये कहें कि तीसरी संभावना जो बन सकती है, वो ये है कि बहुविवाह पर रोक यानी मल्टी मैरिजेस पर रोक होगी। मौजूदा समय में कई धर्म और समुदाय के पर्सनल लॉ बहुविवाह को मान्यता देते हैं यानी एक से ज्यादा विवाह को मान्यता देते हैं। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में 3 विवाह करने की अनुमति है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने पर बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। चौथा है हलाला और इद्दत खत्म। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह कर साथ रहना चाहें तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यूसीसी के सुझावों को अगर कानून बनाकर लागू किया गया तो ये सब खत्म हो जाएगा, इन कानूनों की बाध्यता नहीं रहेगी। पांचवा है तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पति व पत्नी के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं। यूसीसी में सुझाव है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के समान आधार लागू होने चाहिए। छठा सुझाव है सास ससुर की देखरेख। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास ससुर की देखरेख करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को उठानी होगी जो उस पत्नी का पति था। यानी पति अपने सास ससुर की जिम्मेदारी उठाएगा, उनकी देखरेख करेगा अगर उसकी पत्नी नहीं रहती है, उनकी मौत हो जाती है। सातवां सुझाव है गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी के कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। आठवां सुझाव है भरण पोषण। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यानी जो पत्नी है जिसके पति की मौत हो गई है और उसे गुजारा भत्ता मिल रहा है लेकिन वो दूसरा विवाह कर लेती है, तो उसके जो सास ससुर हैं वो बेसहारा रह जाते हैं। लेकिन यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पत्नी पर होगी। अगर वो दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये कि एक विधवा पत्नी अगर दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे मेंटेनेंस की राशि नहीं मिलेगी, वो राशि उस पत्नी के, उस बहू के सास ससुर को मिलेगी जिनके बेटे की मौत हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और अगर वो दूसरा विवाह नहीं करती है तो उन्हें जो भरण पोषण की राशि मिलेगी उस राशि से वो अपने बूढ़े सास ससुर की भी देखरेख करेंगी। नौवां सुझाव है बच्चों की देखरेख। माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार
बच्चों के अभिभावक बनकर खड़े हो जाते हैं। वे संपत्ति हड़प कर बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूसीसी में सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान व मजबूत बनाया जाए, ताकि जो बच्चे अपने माता पिता का साया खो देते हैं, उनकी परवरिश अच्छे से हो, उनकी देखभाल अच्छे से हो, उनकी संपत्ति गलत हाथों में न जाए। 10वां सुझाव है उत्तराधिकार कानून। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अन्य धर्मों में उत्तराधिकार कानून में बदलाव होगा। 11वां सुझाव है कि जनसंख्या नियंत्रण। जी हाँ, सबसे मुख्य और ज्वलंत मुद्दा हम इसे कह सकते हैं। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाए, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमारा जो भारत देश है वो पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है। हाल फिलहाल में अगर मैं आज इसी दिन की बात करूं, जुलाई 2023 की, तो 140 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या है। जबकि जो हमारे देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, उन सब से आप भी भलीभांति वाकिफ हैं, परिचित हैं। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत अनिवार्य हो गया है। 12वां सुझाव है बच्चों की कस्टडी। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव ये भी है कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है, ये बात हो रही है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की, तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दी जाए। 13वां सुझाव है कि लिव इन रिलेशनशिप। अभी हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को भी दी जाएगी कि आपके बच्चे अपनी सहमति से बिना विवाह के, बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल में काफी ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला और पुरुष रह रहे थे, तो उसके बाद उनके बीच में कुछ टाइम के बाद मनमुटाव होता है और उसके बाद नौबत यहां तक आ जाती है कि किसी एक पार्टनर की हत्या हो जाती है, उसके टुकड़े करके उसके शव को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कई मामले हमारे नजरों के सामने कई बार हमारे जहन में आए हैं, कई बार हमें जो खबरों से पता लगा है। और ये सिर्फ किसी एक समुदाय में या फिर किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये सभी राज्यों में हमने देखा है। अमूमन इस तरह के केसेस आ रहे हैं और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं होते, पता ही नहीं लगता। तो दोस्तों, यूसीसी के बारे में अभी हमने बताया कि जो सरकार ये कानून लाने की सोच रही है उसके बारे में 13 सुझाव अभी तक सरकार को मिले हैं, जिसके ऊपर वो अपना एक टेम्पलेट तैयार कर रही है।